आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग का शानदार आगाज गायकवाड़ के दम पर मुंबई को 20 रन से दी है मात। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस को 20 रन से हरा दिया है। वहीं इस जीत के साथ सीएसके टीम अंक तालिका में 12 अंकों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है। वहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए थे, जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 8 विकेट खोकर 136 रन ही बना सकी और ये मैच हार गई। इसी हार के साथ मुंबई इंडियंस अंक तालिका में 8 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। अगर बात करें मैच की तो पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग ने 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए थे। वही बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत निराशाजनक यहां पर रही। महज 24 रन के स्कोर पर टीम ने अपने 4 विकेट खो दिए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जाडेजा के साथ दोनों ने यहां पर मिलकर 100 रन जो स्कोर है उसको पार पहुंचाया। वही दोनों के बीच 5 विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद छठे विकेट के लिए गायकवाड़ और ब्रावो के बीच 39 रन की साझेदारी हुई। वही गायकवाड़ ने 58 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 88 रन की बेहतरीन पारी खेली। इसके अलावा रविंद्र जाडेजा और ब्रावो ने यहां पर अच्छा योगदान दिया। बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से ट्रेंट बोल्ट और मेल ने यहां पर बुमराह ने संयुक्त रूप से 2-2 विकेट चटकाए। वहीं चेन्नई के लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई की शुरुआत काफ़ी कुछ खास नहीं रही। वहीं 18 रन के स्कोर पर टीम को यहां पर क्विंटन डिकॉक के रूप में पहला झटका लगा। वहीं 37 रन के स्कोर पर टीम की जहाँ पर 37 रन के स्कोर पर टीम की आधी टीम यहां पर पेवलियन लौट चुकी थी। वही 7 विकेट के लिए सौरभ तिवारी और एंडम मेलन ने यहां पर 40 रन की साझेदारी की। वही मुंबई की तरफ से तिवारी ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। वहीं चेन्नई की तरफ से ड्रेविन ब्रावो ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए। वहीं दीपक चाहर ने 2 और शार्दुल और जयसुंदर वुड ने यहां पर 1-1 विकेट चटकाया। वही इस मैच में धोनी का रिव्यू सिस्टम आया सीएसके के काम। दीपक चहर ने क्विंटन डिकॉक को आउट कर दिया। वही चेन्नई को पहले सफलता दिलाई थी, ये विकेट चेन्नई को डीआरएस पर मिला। दरअसल पारी का तीसरा ओवर दीपक चहर को यहां पर पारी के तीसरे ओवर में दीपक चहर आए थे। वही दूसरी गेंद में क्विंटन डिकॉक के पैड पर यहां पर लगी थी, अपील की गई लेकिन एम्पायर ने नॉट आउट दिया था। इसके बाद ने महेंद्र सिंह धोनी ने रिव्यू लिया था। वही गेंद स्टंप लाइन में होने के चलते डिकॉक को मैदान का रास्ता यहां पर देखना पड़ा था, मतलब मैदान के बाहर का रास्ता यहाँ पर दिखाना पड़ा था। इसके अलावा पोलार्ड ने भी यहाँ पर मुंबई इंडियंस को किया था निराश। केरेन पोलार्ड से टीम को मैच जिताऊ पारी खेलने की उम्मीद थी लेकिन उनका बल्ला भी शांत देखने को मिला। वहीं जेस हजलवुड ने पोलार्ड को आउट यहाँ पर LBW आउट कर चेन्नई को 5वीं सफलता दिलाई। वही अगले ही ओवर में ब्रावो ने शानदार फील्डिंग करते हुए पांड्या को आउट कर दिया। वहीं एंडम मिलने ने और सौरभ तिवारी ने 7 विकेट के लिए 40 रन जोड़े। वही मिलने ने 15 रन बनाकर वो भी आउट हो गए ब्रावो की गेंद पर। वही मुंबई के लिए सौरभ तिवारी अकेले संघर्ष करते हुए नजर आए, 50 रन बनाए 40 गेंदों पर। आईपीएल में उनका ये 8वां अर्धशतक रहा है। साथ ही 2017 के बाद तिवारी की जो आईपीएल की ये पहली 50 रही है। वही मुंबई इंडियंस के बाद चेन्नई की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार बल्लेबाजी में यहाँ पर 58 गेंदों में शानदार 88 रन की पारी यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली थी। वही गायकवाड़ की ये पारी चेन्नई के लिए बहुत ही अहम समय पर देखने को मिली। वही आईपीएल में ये उनका 6ठा और यूएई में लगातार 4था अर्धशतक है। वही ड्रेविन ब्रावो सिर्फ 7 गेंदों में 23 रन की विस्फोटक पारी उन्होंने खेली। वह अपनी पारी में उन्होंने 3 छक्के लगाए। वह अंतिम 5 ओवर के खेल में सीएसके ने 2 विकेट खोकर 69 रन बनाए। वह मुंबई के लिए ट्रेंट बोल्ट बुमराह और मेलन ने 2-2 विकेट यहाँ पर लिए। वही एक समय जब चेन्नई 24 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा चुके थे लेकिन 5 विकेट के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जाडेजा ने 64 गेंदों पर 81 रन जोड़कर सीएसके को वापस ला खड़ा कर दिया था। वही गायकवाड़ और ऋतुराज की पार्टनरशिप को बुमराह ने तोड़ा था।